जय हिंद साथियों, आपके लिए चक्रवृद्धि ब्याज या साधारण ब्याज निकालने की शानदार ट्रिक लेकर आया हूँ। कितना बड़ा गुस्सा ना हो आपको, कोई सूत्र या कोई ट्रिक अन्य लगाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। शानदार ट्रिक है और छोटी ट्रिक है, आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ, तो आप इस वीडियो को पूरा बना लेना। तो चलते हैं, ट्रिक क्या है। पहला क्वेश्चन है कि 30,000 रुपये पर 10% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। इसमें चक्रवृद्धि ब्याज पूछ ले या साधारण ब्याज पूछ ले, आपको कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, दोनों आपको निकलाएंगे, दोनों चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज। देखिए कैसे निकालेंगे, आपसे इसे मानना है आपको मूलधन, इसे क्या मानना है, मूलधन मानना है पी। मूलधन को पी से प्रदर्शित करते हैं, आपको पता होगा 2 वर्ष की बात कह रहा है। पहले 2 डब्बे बनाएंगे, जैसे 3 वर्ष की बात करें तो 3 डब्बे बनाते हैं, 4 वर्ष की बात करें तो 4 डब्बे बनाते हैं। हाँ, पर 2 वर्ष की बात करें 2 डब्बे बनाए। चक्रवृद्धि ब्याज की कह रहा है बात, तो 1 डब्बा नीचे बना देंगे। यदि वो साधारण ब्याज की बात करता है, 1 डब्बा आपको जरूरत नहीं पड़ती साधारण ब्याज में। यदि वो चक्रवृद्धि ब्याज निकालने की जरूरत कह रहा है, तो यहाँ पर 1 डब्बा बनाना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए मूलधन हमारे पास कितना है, 30,000 रुपये, कितनी दर से, 10% की दर से। तो साथियों 10% निकालेंगे, 30,000 का 10% निकालेंगे यहाँ पर बटे 100। साथियों 00 से 00 के 300 × 10 करेंगे तो ये हो जाएगा 3,000। बात समझ में, दोनों जगह 3,000 लिख देंगे दोनों डब्बों, क्योंकि ऊपर नीचे डिब्बे हैं। बात समझ आई, यहाँ पर ये दोनों डिब्बे हैं 2 साल के, तो दोनों तरफ 3,000 लिख देंगे। आगे बात करते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है 10% निकालेंगे, 3,000 का 10% निकालेंगे साथियों बटे 100, 00 से 00 का जो कितना होता है 300, यहाँ लिख देंगे। यह साथी आपसे पूछता कि 30,000 का 10% की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज, आपसे पूछा साधारण ब्याज क्या होगा साथियों, तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती, दोनों को जोड़कर लिख देते 3,000 + 3,000 = 6,000। भाषण में उसने पूछा है चक्रवृद्धि ब्याज, तो 300 रुपये बहुत जोड़ेंगे चक्रवृद्धि ब्याज के लिए साथियों, सभी को जोड़ते हैं, सभी को जोड़ते हैं 3,000 + 3,000 + 300, तो सभी हो जाएगा 6,300। बात समझ में आई, बात समझ में, चक्रवृद्धि ब्याज के लिए सभी को जोड़ना, सभी डिब्बों को खाना को, सभी नंबरों को, और साधारण ब्याज के लिए सीधा सीधा पहले खाने को जोड़ना है। बात समझ में, तो चक्रवृद्धि ब्याज का आंसर हो जाएगा 6,300। 2 वर्षों में 10% की दर से 30,000 रुपये का 6,300 ब्याज देगा। पास में एक बार क्वेश्चन करते हैं सर, दूसरा क्वेश्चन होगा 10,000 रुपये पर 20% की दर से 3 वर्ष का सी आई मतलब चक्रवृद्धि ब्याज, इतना तो जान दिया सभी। ठीक है, यहाँ पर डिब्बा बनाएंगे चक्रवृद्धि ब्याज के लिए, मूलधन के लिए सभी, ये पी हमेशा रखना है, यहाँ पर पी यहाँ पर रखना है। कितने वर्ष की बात कर रहा है, 3 वर्ष की, तो 3 डिब्बे बना लेंगे सभी, 1, 2, 3। बात समझ में आई, ठीक है, बड़े बना या छोटे बना कोई दिक्कत वाली बात नहीं, डिब्बे बनाने आपको ठीक। ठीक है, 3 वर्ष के बाद 3 डिब्बे, 4 वर्ष के बाद 4 डिब्बे। देखिए 10,000 रुपये की बात दे रहा है, वो कितने परसेंट की तरह से, 20% की तरह से, 10,000 का 20% निकालेंगे बटे 100, 00 से 00 के अंदर कितना हुआ, ये भैया 2,000, 2,000 सब में लिख देंगे। लेकिन ये कोई दिक्कत हो रही है भैया, नहीं होगी, नहीं होनी भी चाहिए, यहाँ पर 2,000 तो कितने निकालेंगे 20%, और सभी में लिख देंगे नीचे तक, तो 2,000 का 20% निकालेंगे सभी, और परसेंट निकालने में दिक्कत तो नहीं हो रही, 400 दोनों में लिख दिया 400। अब 400 का 20% निकालेंगे सभी, जब तक निकालेंगे तो डिब्बा नहीं खत्म होंगे। ठीक है, परसेंट जब तक निकालने जाएंगे तब तक डिब्बा का एंड नहीं होगा सभी, 400 का 20% निकालेंगे 00 से 00 के ना बीच हो गई 80। आपसे क्या पूछा है, चक्कर दिया पूछा आपसे,
चक्रवर्ती ने बताया है कि सभी डिब्बों को जोड़ना है, सभी डिब्बे में जो लिखे हुए हैं सभी को जोड़ देना। अच्छा फिर वेरी करेगी तो जोड़ देंगे मुझे 2000 प्लस 2000 प्लस 2000 प्लस 400 प्लस 400 प्लस 80। देखिए साथियों 2000 2000 4000 और 2 6000 6000 और 400 24 को 6400 6400 और 400 6800 और 6880 जोड़ देंगे तो 6880 रुपये यहाँ लिख देंगे। 6880 रुपये आपको 10000 रुपये पर 20% की दर से 3 वर्ष का चक्कर दिया जाएगा। 6800 रुपये आपको ट्रिक अच्छी लगी, समझ में आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको मूलधन के लिए सीधा चीज जोड़ना बस, ठीक है, मूलधन के लिए ये जोड़ना है और चक्रव्याह के लिए सभी डिब्बों को जोड़ना है। ठीक है साथी, आपको ट्रिक अच्छी लगी हो तो भाई को सपोर्ट करें, ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत।